Hi guys, welcome to Career Nectar. Your dream is our passion. In this video, we will see कि हमने जो last part one, part two, part three Career Nectar से हम लोगों ने जो videos डाले थे, वो सारे videos की continuation में हम लोग इस series को आगे बढ़ाते हुए simplification लेके आए कि आप relate कर सकते हैं terms को और chapter wise को. इसलिए हम इस video में आए. देखते हैं इसमें simplification में मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पांच मार्क्स से दस मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी प्री लेवल एग्जाम में या फिर ट्रेनिंग बेस्ड पेपर में. डिपेंडिंग अपन द शिफ्ट्स एंड ऑल यू विल बी गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. पांच मार्क्स के आते ही आते इतना मान के आप चलिए. और क्लर्क का प्री और मेंस दोनों में दिखा था इस बार जो आपके SBI क्लर्क हुआ था, तो IBPS में भी आप इसको मान सकते हो. RRB वगैरह में भी बहुत ज्यादा आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बदमाश रूल. दिस इज अ रूल व्हिच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ योर सिंप्लीफिकेशन. व्हिच स्टेप एंड व्हेन टू डू दैट स्टेप. व्हिच स्टेप्स इन द सेंस कि ब्रैकेट को पहले करते हैं तो B4 क्या हो जाता है, ब्रैकेट हो जाता है, O से ऑफ होता है. उसके बाद क्या होता है, डिवीजन. उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, गुना जिसको बोलते हैं आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन उसको बोलते हैं. A4 क्या होता है, एडिशन होती है. उसके बाद क्या है, S4 सब्सट्रैक्शन होती है, घटाना या फिर सब्ट्रैक्शन होती है. तो ये ट्रेंड होगा आपका बदमाश सीरीज का. जो भी आप सिंप्लीफिकेशन के सवाल करेंगे तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे इसको. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे. देखो इसको 121 को क्या लिख सकते हो, आप 121 को क्या लिख सकते हो, 11 का स्क्वायर आप सीधा लिख लो. मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं धीरे करा रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग पिकअप करेंगे. और देखो एग्जाम में आपको स्पीड में ही करना पड़ेगा, 10-5 सेकंड में ही इनकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा. 11 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या है, क्यूब है, इनटू 11 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 11 का क्यूब होता है ये. 11 का क्यूब इज 1331. ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने और 11 का ये क्वेश्चन मार्क में निकालना है. देखो ये 11 to the power 6 होगा, ये भी 11 to the power 6 होगा, बिल्कुल सरल है. 11 to the power स्क्वायर और उसके होल स्क्वायर अगर होल क्यूब है तो 11 to the power 6 और 11 to the power 6 यहाँ पे भी होगा, तो दोनों टर्म आप कर सकते हो. तो यह बचा, क्यों काटा मैंने, ये भी क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड का साइन था. तो बिल्कुल अगर 11 to the power 6 into 11 डिवाइडेड बाय 11 to the power 6 करोगे तो इस तरह से काट दोगे इन दोनों टर्म्स को, बचेगा 11, ये 11 बचा आपके पास. इसके बाद 11 का क्यूब रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा. तो 11 to the power कुछ नहीं है उसके ऊपर, तो 1 लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो 1 लिख दो. उसके बाद 11 का क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 1 होगा. जो आपको PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिला होगा उसका आंसर है बी. ठीक है, इसका आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका PDF का, तो उसको देख लीजिएगा. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं. तो ये स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखाया था आपको कैसे निकालते हैं, पार्ट 4 में देख लीजिएगा आप कैसे स्क्वायर रूट मैंने सिखाया है उसमें. और उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लास्ट डिजिट 6 है, लास्ट डिजिट कब 6 होता है, अगर 4 या 6 का स्क्वायर होता है, किसी का भी 4 है 6 का स्क्वायर है तो लास्ट डिजिट 6 होता है. और 11 है सामने वाला, 11 किसके पास पड़ता है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच पड़ता है. ठीक है, तो 11 जो है इज मोर नियरर टू 3 का स्क्वायर के पास रहता है ज्यादा, तो हम लोग इसका क्या बोल सकते हैं, 34 होगा या फिर 36 होगा. पर इसमें आंसर क्या होगा ये आपको देखना होगा, जिस नंबर छोटे नंबर के साथ अगर पास पड़ रहा है तो आंसर छोटा होगा, 34. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 34. इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 34 प्लस 20% मतलब क्या, इतना होता है 1/5. तो 1/5 ऑफ 180, 1/5 ऑफ 180 इज 16. ठीक है, तो क्या होगा, 34 प्लस 16 इज इक्वल टू 50. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा. होप सो दोस्तों समझ में आया होगा दूसरा. अब हम देखते तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग और देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं. देखो इसमें ब्रैकेट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें दो ये ब्रैकेट वाले सारे दिखाई दे रहे होंगे आपको. अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं हम लोग. जिनकी ब्रैकेट की बाहर है वैल्यूज सारे को एक साथ लिख लो, 2 + 4 - 5, समझ आया.
जो था मैंने वही लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, प्लस लिख दो एक, 1/3 प्लस 2/5 जो ब्रैकेट के अंदर है वो वाले टर्म्स में लिख रहा हूँ, -4/15, समझ आया? इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ ये बताऊ, 2+4=6, -5=1, 6-5=1, तो यहां इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है, टोटल कितना आ गया, 1 आ गया इसका वैल्यू। उसके बाद इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, 3, 5 और 15 का एलसीएम होता है 15, लिख लो, ठीक है, 15 होता है, 3 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, तो 5 × 1 = 5 × 1 = 5 प्लस 15, 5 15 में कितनी बार जाता है, 3 टाइम जाता है, और 3 × 2 = 6 माइनस 15 15 में एक बार जाता है, -4 × 1 = 4। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, यहां से मेरे को दिख रहा है कि इसका वैल्यू 1 है, 1 प्लस, और इसका टोटल का वैल्यू ये आया, 5 + 6 = 11, -4 = 7, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1+7/15, इसका मतलब होता है कि 1 complete 7/15 आपका आंसर है। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी था, कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट सवाल में देख लेंगे, 9 + 6 इस टर्म को अगर इस साइड लेके आए तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9+6 - 14, ठीक है, प्लस देखे ब्रैकेट वाले टर्म लिख देंगे, ये इधर की तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो 3/7, ये पॉजिटिव है 3/7, प्लस 4/7 -4/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है आपको, ये निकालना है, ये वाला टर्म हो गए तो इसको हम लोग रफ कर देते सो देट आराम से आप समझ सकते हो इसको। 9 + 6 = 15 - 4 = 14 करोगे तो 15 - 14 कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख दो, प्लस फिर क्या बोला, 3/7 प्लस 4/7 -4/7, प्लस 4/7 -4/7 अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब प्लस 3/7 बचेगा, तो आंसर क्या होगा, 1 complete 3/7। होप सो ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें पेन पेपर की जरूरत भी नहीं है, देखो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले को करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड का काम करना पड़ेगा। देखो यार ब्रैकेट की बात करेंगे तो 15 75 में कितनी बार जाता है, तो ये 5 बार में जाएगा, और 36 × 5 कितना होता है, 36 × 5 = 180, तो 180 लिख दिया मैंने, माइनस 2520 -120, 00 कैंसिल, 12 252 में कितनी बार जाएगा, 2 बार और 1 बार, 21 बार, इक्वल टू 3 × क्वेश्चन मार्क, 180 - 21 = 159, 180 - 21 = 159, इक्वल टू 3 × क्वेश्चन मार्क, 3 इसमें कितनी बार जाता है, 5 3 times, तो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा दोस्तों, 53, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 53। दोस्तों अभी देखते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन से, और अभी ये 10 का सीरीज चल रहा था तो हम लोग लास्ट 10 तक पहुंचने वाले हैं, अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो ये कुछ फिगर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 4 digit के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, देखना गौर से, क्या 4 digit के बाद है और यहाँ पे 1 2 3 3 digit है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों से या 3 कटा देंगे, 1 बचेगा, ठीक है, तो 6 × अगर मैंने इसको हटा दिया तो 28 हो जाएगा, × 35 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटा दिया मैंने सारे पॉइंट, तो इसमें क्या होगा, 3 digit बाद चला जाएगा, 3 digit यहाँ से हटाया तो 3 digit के बाद यहाँ पे बैठ जाएगा, तो 4.9 हो गया, समझ आया होगा, और 4.9 की जगह में अगर मैं दोबारा लिखूं मैं इसको 35/49 × 10 लिखूंगा, बिकॉज क्यों, 4.9 को क्या लिख सकते हैं, 49/10, तो 10 ऊपर चला गया, ठीक है, ये 5 बार, ये 7 बार, ये 7 से कटेगा तो 4 बार, ठीक है,
तो कितना, 4 × 6 × 4 is 24, 24 into 5 is 120, 120 into 10 कितना होगा, 120 into 10 कितना होगा दोस्तों, 1200। ठीक है, समझ आ गया होगा, एकदम आराम से करेंगे, बिल्कुल जैसे है। पहले हमने क्या किया, तीन डिजिट्स थे, तीन की डेसिमल के बाद ये पॉइंट हटा दिया हमने, तो यहाँ पे भी तीन के बाद हटाएंगे तो 4.9 बचेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे चार डिजिट थे, तो यहाँ पे तीन डिजिट से ही हटाएंगे, तो 4.9 और ये कटने के बाद क्या आया, 1200 आया। समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है, कैसे करेंगे अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अप्रोच के बारे में बात करते हैं, तो इसके 60 है, 60 है, 60 का 10% क्या होता है, 6 होता है, और 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा क्यों, बिकॉज यहाँ पे 15% चाहिए मेरे को, 15 में क्या छुपा हुआ है, 10+5 का परसेंट, तो अगर मेरे को बताओ 10% 60 का कितना होता है, 6 होता है, लिख दो, और 5% 60 का कितना होता है, सबको पता है कि 6 का आधा होगा, 6 का आधा हो गया, अगर 10% का वैल्यू 6 होता है तो 5% का वैल्यू 3 होगा, तो हम लोग 3 लिख दिए, तो टोटल यहां से मेरे को क्या समझ में आया कि 9 है इसकी वैल्यू, 9 लिख दो, प्लस 40% ऑफ 900, 900 का 50% कितना होता है, 450, 900 का 440 को क्या लिख सकते हो ये बताओ मेरे को, 10 × 4 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, 50 − 10% भी लिख सकते हो, 900 का आधा कितना होता है, 50% मतलब क्या, आधा है, तो 900 का आधा कितना है, 450, तो 450 लिख दो, माइनस कितना है, 900 का 10% 90 होता है, तो 90 कर दो, तो इससे क्या आता है, 450 − 90 = 360, दैट मीन्स मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई 360। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 360। नेक्स्ट अभी इसकी बात करते हैं, 80% ऑफ 40 कैसे निकालेंगे, दोबारा देख लेते हैं इसमें 80% ऑफ 40 क्या लिखते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले देखो यार 1% बराबर कितना होता है, इसकी जो 10% है, 10% कितना होगा इसकी, 50 का 10% होता है 5, और 5 कितनी बार करना पड़ेगा, 8 बार करने का, 5 8 बार करोगे तो कितना होगा, 40 होगा, तो टोटल का वैल्यू कितना होगा, 40, तो 360 + 40 = 400, 400 + 9 कितना होता है, 409, तो आंसर हो जाएगा 409। समझ आ गया होगा आपको पूरी बातें यहां तक। ठीक है, अब इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए वही स्क्वायर रूट है, कैलकुलेशन पार्ट 4 देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखे तो तब भी यहाँ पे थोड़ा सा हिंट ले लो, 5 है तो यूनिट डिजिट में 5 ही रहेगा, और 12 किसके पास पड़ता है, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो ये 12 किसके पास है, 3 के पास है, तो इसका कितना होगा, 3 = 35, तो इसका आप समझ में आ गया होगा, इसकी वैल्यू 35 है, समझ में आया, प्लस 35% ऑफ 400 का 35%। देखो यार सीधी बात करूं मैं, अगर सीधा बात करूं तो ये बताओ कि मेरे को इसका 10% कितना होता है, 40, 30%, तो 30% 10% अगर 40 है तो 30% कितना होगा, 120, और 5% फिर बचा, अगर 10% इसका 10% कितना हो गया, 40 है, मैंने बता दिया था, इसका 10% अगर 40 है तो 5% कितना होगा, 20 होगा, तो 20 और ऐड कर दो, तो 120 + 20 कितना होता है, 140, तो अब मैं लिखूंगा 140। ठीक है, तो 140 + 35 = 175, ये आपका भी पीडीएफ का क्वेश्चन है, ये आप पीडीएफ में देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आराम से आपने निकाल लिया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस वाले में देखते हैं कि नवा क्वेश्चन कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 11 का स्क्वायर 121 = क्वेश्चन मार्क का क्यूब माइनस 52, मुझे निकाले 25 + 169 होता है 194 − 121 होता है 194 − 129 होता है कि आपके 70 और 73 हो जाएगा, और 73 इधर कितना हो गया, 73 लिख लो इसको, उसके बाद इसको इधर साइड को लाओगे तो कितना होगा, +52 = क्वेश्चन मार्क का क्यूब, यहां से देखना ऊपर की तरफ थोड़ा,
73 प्लस 52 दोस्तों कितने होते हैं 125 और 125 बराबर क्वेश्चन मार्क का क्यूब, मतलब किसका क्यूब 125 का बराबर है, तो 5 का क्यूब बराबर होता है 125 से, तो कितना हो गया इसका आंसर 5 हो गया। तो आपके क्वेश्चन में देख लोगे इसकी वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। बिल्कुल इजी था ये न्यूमेरिकल और हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन मैंने अलग से लिखा है बिकॉज वहां पे स्पेस की कंस्ट्रेंटमेंट है, तो लेट्स सी कि कैसे करते हैं इसको। 6390 था डिवाइडेड बाय 15, ये कट करेंगे तो कितना होगा 439 है, 1539 में कितनी बार जाता है 2 बार, तो लिख दो 2, फिर इतने बाद 90 बचा है तो 1590 में कितनी बार जाता है 6, 426 प्लस 7182 डिवाइडेड बाय 19 अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाए 3 टाइम्स, ठीक है, उसके बाद 7 टाइम्स, ठीक है, उसके बाद 8 टाइम्स, ठीक है, प्लस 102.24 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो इसमें कितनी बार हो जाएगी 1 टाइम, फिर तुम्हारे पास 2 टाइम 2 टाइम्स बचा है यहां पे, फिर कितना बचा 62 इसके में 42 बचेगा, 42 इसमें कितनी बार जाएगा फिर 1278 बचेगा, ठीक है, 1278 बचने के बाद क्या करेंगे, ये तो 1278 इसका वैल्यू आ गया, प्लस इस वाले टर्म जब इधर की तरफ जाएगा तो कितना होगा प्लस 24% ऑफ 750 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो 426 ये 24% ऑफ 750 कैसे निकालेंगे, देखो 20% 750 का होता है 150 प्लस 5% ऐड करेंगे, 5% 25 नहीं है यहाँ पे 24 है, फिर भी हम लोग 4% ऐड करेंगे, 5% ऐड करेंगे तो इसकी 5% कितना होगा 37.5। उसके बाद 1% घटा देंगे बिकॉज हमने 25% लेके चल रहे हैं ना, उसको 1% घटाओ तो 1% इसकी कितना होता है 7.5, तो 1% 7.5 घटा दो तो 37.5 माइनस 7.5 इज 30.5 और 150 प्लस 37.5 माइनस 7.5 इज कितना होगा, इसकी नेट वैल्यू कितना है 30 प्लस 30 होगा तो 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा 180, तो कितना मिल गया तुमको ये इसका वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों 180 मिल गया। तो अब तो तुम्हारे पास सारे वैल्यू है, 426 पहले वैल्यू, 378 दूसरा वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू 1278 प्लस 180, इतनी वैल्यूज मिल गए तुमको। अब इसका क्या करना है, ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 इज 22, 22 प्लस 0 कितना होता है 22 ही रहता है, तो 2 लिख लेते हैं और हमारे पास 2 कैरी भी है, ठीक है, ये 2 कैरी है, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 7 इज 16, 16 प्लस 8 इज 24, 24 और 2 मिला लोगे तो कितना होगा 26 होगा, तो फिर से 2 कैरी, तो अब दोबारा 2 कैरी, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 और 2 मिला के 12, ठीक है, 12 में 1 के लिए, तो यहाँ पे तो चौथा डिजिट हमारे नहीं है यहाँ पे, तो 1 और प्लस 1 हमारे पास के लिए था, तो इसके क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो 2262 आंसर आ गया, 2262 आपके पीडीएफ में भी होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, पीडीएफ में 13 का क्वेश्चन है, ये देख लेना लोग। तो ये था हमारा पूरी सिंप्लीफिकेशन का 10 न्यूमेरिकल्स। सो मैं बोलूंगा गाइस हम लोगों से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियोस को, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट वी विल कम अप विद द न्यू वीडियोस ऑफ एरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स फॉर द एसएससी। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दोस्तों, हैव अ नाइस डे।